डॉक्टर सजाद गुर्जर ने पीएसपी कोटा बढ़ाने का पुरजोर समर्थन करते हुए शम्स और बुखारी वर्गों को एसटी और एससी वर्ग में शामिल नहीं करने की मांग की। बता दें इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहाड़ी एक भाषा है ना एक जनजाति। मैं डॉक्टर शब्बीर गुर्जर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और ये हमारे साथ जो है ये स्टेट ये तहसील प्रेसिडेंट है। हमारी एक गैदरिंग होने वाली थी जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आई थी। एक तो हमारे दो इश्यूज थे, एक तो होम मिनिस्टर के वेलकम के हमारा प्रोग्राम था और दूसरा ये था कि जो एक इशू उठ रहा है और हमने उससे भी कहा है कि हम पहाड़ीज जो हैं, जो पहाड़ीज हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनकी भी बात रखना चाहते हैं कि उनका जो पीएसपी है लगता है कि उसमें जो परसेंटेज है वो कम है। हम ये मानते हैं कि पहाड़ीज की इकोनॉमिकली कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ये आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो परसेंटेज है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाए। लेकिन अफवाहें कुछ फैलाई जा रही हैं कि उनको कुछ तो ये कह रहे हैं उनको शेड्यूल कास्ट, कुछ कह रहे हैं उनको शेड्यूल ट्राइब में लाया जा रहा है। लेकिन ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये अलग वो एक ट्राइब है, ये एक लैंग्वेज है। आप कुछ ये हमारा सुनने में भी ये आया कि यहाँ का बुखारी भी, सैयद भी, शर्मा भी, ठाकुर भी, ये सारे जब शेड्यूल ट्राइब में चले गए तो जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी पॉपुलेशन मुझे नहीं लगती कि जो शेड्यूल ट्राइब ना हो। तो हमारा ये मानना है कि इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए, पहाड़ीज के लिए, उनकी जॉब प्रमोशन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए जो भी पैरामीटर्स करने चाहिए हम उनके साथ हैं। हमारा मानना ये है कि एक पहाड़ी एक लैंग्वेज है जो यहाँ का कश्मीरी भी बोलता है, यहाँ का मीर भी बोलता है, यहाँ का शर्मा भी बोलता है, यहाँ का राठौर भी बोलता है। तो हाँ, अगर आपको एसटी फिर देनी है तो फिर जम्मू कश्मीर पूरे को दी जाए, फिर तो सारे एक हो गए और यहाँ से जो शायद ट्राइबल्स हैं उनको आप क्या करोगे ये शायद हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ये मानना है कि पहाड़ीज की इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, उसके साथ हमें, लेकिन डिल्यूशन जो है ये अनएक्सेप्टेबल।